अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ यासीन गोट सेल फ्रॉम हैदराबाद। सो इस वक्त जैसे हम लोग देखिए माशाल्लाह गोट सेल के मोस्ट फेमस ट्रेडर इन हैदराबाद आप लोग बोल सकते हैं, अजहर भैया के पास है हम। और बहुत शानदार कलेक्शन यहाँ पर रामपुरी का स्टॉक अवेलेबल है और सभी डिटेल यहाँ पर जो भी जानवर है अभी बात करेंगे हम अजहर भैया से। अस्सलाम वालेकुम अजहर भैया। वालेकुम सलाम। सबसे पहले यासीन गोट सेल के सभी सब्सक्राइबर को मेरा सलाम है। वालेकुम सलाम। और माशाल्लाह आज अपने पास जो है रामपुरी है, विलायती है, टॉप क्वालिटी जो एकदम एक्सट्रीम क्वालिटी में आते बच्चे, मोटी सिंग वाले, सिंग खींचे हुए बच्चे, जी हाँ, वो सब अवेलेबल है। सबसे पहले मैं मेरा लोकेशन आपको बता देता हूँ। जी। अपना लोकेशन जो है तालाब कट्टे पे समीना हॉस्पिटल के पास में है। जी। उसके बाजू में और एक एरिया आता मोहम्मद नगर, जावेद नगर का। जी हाँ, मोहम्मद नगर। वहाँ आके भी आप कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह रिसीव कर लूँगा। टाइटल में आप नंबर दे दो या फिर गूगल पे भी डायरेक्टली सर्च कर देंगे तो आपका शॉप तक आ जाएगा। लोकेशन भी रजिस्टर्ड है, माशाल्लाह गुड सेल मारे तो डायरेक्टली लोकेशन आ जाता है। जी हाँ, तो डायरेक्टली आप लोग शॉप के ऊपर आइए यहाँ पर। तो अभी इसके अंदर ये जो लॉट है आपके पास, इसके अंदर टोटल कितने जानवर है अभी इधर भैया? टोटल इसमें अभी 14 जानवर है। जी हाँ, 13-14 जानवर है जो सेल के लिए है। आप लाए कितने थे? टोटल 20 लाए थे, इसमें से 6 बिके, 14 अवेलेबल है अभी। 14 अल्हम्दुलिल्लाह, 6 सेल हो गए अभी तो। पूरे अच्छी क्वालिटी वाले हैं बच्चे, थोड़ा बताइए ना एक एक करके। आप ये बच्चा देखें, माशाल्लाह है ये बच्चा। इसके सिंग की तरफ आप जूम कर लो कि जो सिंग खींचे हुए हैं एकदम अच्छी क्वालिटी में है सिंग इसके। जी हाँ, बहुत मोटे सिंग। और खूबसूरती का देखिए आप लोग जो कलर पैस देखते हैं लोग रामपुरी के अंदर, ये लेग पीस देखिए आप बच्चा। जी हाँ, मेरी आके लेग पीस बच्चा है, बहुत खूबसूरत सिंग खींचे वाली। सिर पे चंदा है, शॉर्ट कान है, ये देखो तिलकधारी बच्चा है। जी, ऐसे भी बच्चे बहुत, एक बच्चा भी नहीं मिलेगा बगैर सिंग खींचे हुए, पूरे सिंग खींचे हुए बच्चे हैं, तकरीबन पूरे सिंग खींचे हुए। ये बच्चे अभी सिर्फ 4 महीने 5 महीने एज के हैं, बच्चा बिल्कुल सिंग खींचे हुए। जी बिल्कुल, खड़ी सिंग दार रहा, देखिए आगे इंशाल्लाह बनेगा ये वाला बच्चा भी, बहुत अच्छी सिंग दार रहा है। एकदम रीजनेबल प्राइस रखा, अच्छी क्वालिटी के जानवर का, 8,800 रुपये प्राइस ईच वन का। इसके अंदर से कौन सा भी आप लोग सेलेक्ट कर ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं आप, सेम प्राइस रहेगा। जी, स्लाइटली नेगोशिएबल है। उसके बाद एक आप कर्नाटक देख लें, ये भी बताइए। देखिए अच्छे साइज वाला कर्नाटक का मेंढा है, ये 25 से 28 किलो लाइफ वेट में आता है। अच्छा, जिंदा 25 से 28 किलो है। कितने मंथ का है ये अभी भैया? ये अभी 7 मंथ एज है और अच्छी क्वालिटी वाला है। जी, सिंग देखें आप, जूम करिए सिंग को। सिंग कितने टाइम खींचे हुए होंगे? एक दो टाइम तो हो सकते, कि तो बहुत मोटी सिंग है, थिकनेस देखें आप माशाल्लाह, दूध के दांत पे। तो अभी एज अभी इसकी 7 मंथ्स है। गिलहरी बच्चा है, कटला बच्चा जो बोलते हैं ना। जी, गिलहरी। तो क्या प्राइस है? प्राइस 14,500 रुपये प्राइस है। 14,500। जी, नेगोशिएबल प्राइस रहेगा, उसमें भी फिक्स नहीं है, स्लाइटली नेगोशिएबल होता। इधर भी लोगों को सेट करने की जरूरत पड़ती है या फिर आपके पास सेट रहते पूरे जानवर? ये सेट बच्चे यानी कच्ची चुन्नी खाने में अच्छे है। अच्छा, कच्ची चुन्नी पर भी सेट है, लोगों को सेट करने की जरूरत नहीं रहती, कुछ ऐसा नहीं रहता, डिवॉर्मिंग करो या फिर वैक्सीन करो, इम्यूनिटी पावर अच्छा रहता। जी, जैसे तो राजस्थानी बकरे बकरियां हैं उनको अपने को सेट करना पड़ता। जी, पिल्लों को ज़रूरी नहीं है। तो आपके पास डिवॉर्मिंग भी अभी डन है? डिवॉर्मिंग होके है। तो आप लोग विजिट कीजिए यहाँ पर, पूरोंगे देखे आप लोग को, सिंह खींचे हुए बकरे हैं, आपको खिंचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर और भी खिंचा रहे तो आपका वो प्लस पॉइंट रहेगा इंशाल्लाह। अभी इसके अंदर एक विलायती भी है ना आपके पास? कि विलायती जो है टोटल 3 थे 3 के 3 सेल हुए सो है। एक सैम्पल के लिए आप देख लीजिए, नेक्स्ट फिर माल लेंगे इंशाल्लाह। इसका प्राइस 8,800 था, 8,800 था जो सेल हो गया 8,500 में, बस 8,500 में फाइनल फिक्स में सेल हुआ। कितने मंथ्स का है ये? ये 4 to 5 मंथ्स बस। ये 4 महीने में देखिए आप लोग का साइज़ वगैरह बहुत अच्छा है, काम पर लेंगे साइज़ का है, लेकिन सिर्फ अभी 4 to 5 मंथ्स का किड है विलायती। तो अगर भी जैसे अब बकरी आने वाली है तो उससे रिलेटेड थोड़ा एक क्वेश्चन था, आपके हिसाब से माल कैसा रहेंगे, आपके प्राइजेस वगैरह के बारे में बता सकते? एक्सपेक्टेशन कोई भी नहीं कर सकते भाई आगे चल के, यानी बाजार बढ़ेगा या कम होगा कोई कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा,
अगर ज़्यादा माल आ गया तो सस्ता हो जाता, माल नहीं आया तो बाज़ार महंगा होता। जी मोस्टली अभी अपन देख रहे बाज़ार भी अब तो बहुत प्राइजेस बहुत ही चल रहे हैं, ज़्यादा है तो जी, मार्केट का माल जो है मिल रहा नहीं। हाँ जी हाँ, तेलंगाना का तो अभी बहुत ही शॉर्टेज चल रहा है देखिए, और मार्केट्स में भी तकरीबन बड़े बकरों का बहुत डिमांड है, बहुत प्राइस हाई चल रहे हैं, ज्यादा प्राइस 20 के ऊपर ही जा रहे हैं। अगर 35-40 के जी लाइफ वेट है जी, 20,000 के ऊपर ही मिल रहा है, उससे कम तो नहीं मिल रहा जी। तो ये भी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी देखिए। और आपके पास जो माल आने वाला है वो कौन सा रहेगा? तेलंगाना का ही रहेगा। अपने पास ज़्यादातर जो है तेलंगाना के ही आते हैं, और अच्छा लॉट आता है, एक महीने पहले से शुरू हो जाता माल, एक महीने पहले। अगर किसी भाई को लेके सेल भी करना है तो वैसे लोग भी आप लॉट देख के जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मतलब किसी को अगर सेल करना है, रीसेल करना है सेलर के लिए, तो वैसे भी लोग आप लोग परचेज कर सकते हैं। देखिए 1 महीने पहले यहाँ पर बकरीद का स्टॉक अवेलेबल रहता, और जो इंटरेस्टेड है इन शीप्स के लिए डायरेक्टली आप लोग गूगल के ऊपर सर्च कीजिए, आकर विजिट करके देखकर परचेज कीजिए, देखिए बेहतर रहता। और ट्रांसपोर्टेशन आपके पास स्पेशली मुंबई के लिए गाड़ी नहीं कर रही ना? हाँ गाड़ी तो हमेशा निकलते रहती जी, अभी बकरे ज़्यादा कुछ जमा नहीं हुए तो इरादा नहीं है अभी, अभी तो नहीं। अगर हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं मेरे वीडियोस में भी डाल दूंगा भाई है, लेकिन आपको नॉर्मली ट्रेन से भी हो रहा अभी ट्रांसपोर्टेशन जी। अगर किसी भाई के ट्रांसपोर्ट के है बकरे आप कॉन्टैक्ट करें, मैं ट्रेन से भी ट्रांसपोर्ट अभी कर रहा हूँ जी, ट्रेन से भी अभी अवेलेबल अवेलेबल हो गया अभी। चलिए बहुत अच्छी बात है, जो इंटरेस्टेड है डायरेक्टली अगर भी ऐसे कॉन्टैक्ट कीजिए, इंशाल्लाह इसी तरह हम वीडियोस हम बताने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।